हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स किचन में। लौकी, दूधी या बॉटल गार्ड को उपयोग करके हम बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एक साल तक वैरायटीज़ ऑफर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि जो भी हम जनरली खाते हैं बड़े लोग, वो बच्चों को भी दिया जाए। अभी लौकी में पानी ज़्यादा है, मतलब बच्चे को हाइड्रेटेड रखने में, एनर्जाइज रखने में मदद करता है, और इसमें हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। स्पेशली बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज जो भी बच्चों में है, कॉन्स्टिपेटेड फील करता है बच्चा, तो वैसे बच्चों के लिए हफ्ते में एक बार एटलीस्ट इंक्लूड करेंगे तो बेहतर है। और कॉफ, कोल्ड और अस्थमा जैसे सिम्टम्स जिन बच्चों को आते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि उनमें ये सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, क्योंकि ऐसे जब वेराइटीज़ ऑफर करेंगे तो हर एक सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल में ऐसी क्षमता रहती है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करे, हमें प्रोटेक्ट करे। तो बहुत ही अच्छा सा ये इंग्रेडिएंट है, इसका उपयोग करके हम बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो वीडियो देखते देखते ही प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। मैं एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर चलाती हूँ जिसका नाम है टॉट्स एंड मॉम्स। वहाँ पे केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, नो मिल्क सॉलिड, प्रिजर्वेटिव्स वाले आहार मिलेंगे शिशुओं को लेके, शिशुओं से बच्चे बड़े तक सारे ऑर्गेनिक फूड वहाँ पे मिल सकते हैं, वो चेक कीजिएगा। और हाँ, ये लौकी आप अपने बच्चे को 6 महीने से दे सकते हैं। इनिशियली प्यूरी के रूप में अकेले इसे ही पका के मैश करके दे सकते हैं, बाद में इसके साथ एप्पल या कोई और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन बना के सूप के रूप में भी आप इसे दे सकते हैं, और बाद में डेजर्ट की तरह दलिया के साथ भी इसे डाल के बना सकते हैं, खिचड़ी के साथ बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। तो क्विकली चलिए देखते हैं बॉटल गार्ड या लौकी के रेसिपीज। आज का पहला रेसिपी है बॉटल गार्ड प्यूरी। ये 6 महीने के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा प्यूरी बनता है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे। बनाने के लिए हम एप्पल भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। तो बॉटल गार्ड या लौकी को स्टीम करने के लिए ये स्टीमर बास्केट यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बच्चा है घर में तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें रहें तो खाना पकाना आसान हो जाता है। स्टीम करने के बाद हम इसे एक ब्लेंडर जार में डाल रहे हैं। पानी नहीं चाहिए हमें इसके साथ, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। देखिए, ऑलरेडी पानीदार दिख रहा है, तो और ज़्यादा पानी मत डालिएगा इसे पकाने के समय। पैन में भी अगर पकाते हैं तो कम पानी डाल के पकाइएगा। दालचीनी का पाउडर ऊपर से थोड़ा डाल के मैं मिक्स करके सर्व कर रही हूँ बच्चे को, तो ज़रूर पसंद आएगा ये बॉटल गार्ड और एप्पल का प्यूरी। दूसरा रेसिपी है सूप, जो लौकी और दाल को, मूंग दाल को यूज़ करके मैंने बनाया है। ये भी बहुत झटपट बन जाता है। देखिए कितना क्रीमी टेक्स्चर है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसके लिए जो लिस्ट आइटम्स के चाहिए हैं यहाँ पे हैं, मक्खन डाल रही हूँ, सूप में मक्खन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शैलट्स हैं जो छोटे छोटे प्याज मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सांभर वगैरह में डाला जाता है, स्पेशली साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है। वो नहीं मिलेगा तो नॉर्मल अनियन या प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक, अदरक और लहसुन डालने के बाद ये मोटा मोटा कटा हुआ लौकी डाल रही हूँ। उसके साथ धो के ये मूंग दाल जो मैंने रखा था वो डाल रही हूँ, और अभी डाल रही हूँ पानी। ये क्यूमिन पाउडर है, जीरा का पाउडर है, इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन बंद करके हम 2 विजल तक इसे हम पकाएंगे। पैन में ही तकरीबन 20 मिनट तक पका सकते हैं, ऐसे कुछ दिखेगा ये। और एक ब्लेंडर जार में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। भिगोए हुए बादाम है ये, डाल सकते हैं तो डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट और नरिशमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा बच्चों को। फाइन प्यूरी बना लीजिएगा सूप का, और देखिए बहुत ही क्रीमी सा, बच्चों को पसंद आने वाला सूप तैयार है। छोटे बच्चों के लिए इसी कंसिस्टेंसी में रखिएगा, पानीदार नहीं देना है उन्हें। माँ का दूध पीते बच्चों के लिए थोड़ा गाढ़ा ही होना है, सॉलिड सॉलिड की तरह। बड़े बच्चों के लिए पानी डाल सकते हैं। तीसरा रेसिपी है हलवा।
लौकी का हलवा ज़्यादातर घरों में बनता है इस सीज़न में। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नेचुरल स्वीटनर के साथ बनाएं, जैसे मैं बना रही हूँ कोकोनट शुगर यूज़ करके। एक बर्तन में मैं घी और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है वो छोटे छोटे काट के साइड में रख लीजिएगा। अभी ये लौकी को लेके मैं इसका छिलका निकाल के कद्दूकस करके यहाँ पे डाल रही हूँ। घी के साथ हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट पहले घी के साथ, जब तक इसका स्मेल, रॉ स्मेल ना जाए, पकाइएगा। बाद में केसर, भिगोया हुआ दूध और ड्राई फ्रूट पाउडर जो हमारे स्टोर में मिल जाएगा आपको, वो यूज़ कर रही हूँ। इसे पकाते रहिएगा कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। प्रेशर कुकर में पकाएंगे ढक्कन बंद करके, काजू गाजर का हलवा जैसे पकाते हैं वैसे, तो और भी थोड़ा वक्त बच जाएगा आपका। ये गुड़ डाल रही हूँ मैं, कोकोनट शुगर है ये, एक फॉर्म ऑफ गुड़ ही है ये, केमिकल नहीं रहता है तो बच्चों के लिए भी बहुत बेहतर है। तो इसे डाल के अच्छी तरह से फिर से थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बाद में तैयार है ये सर्व करने के लिए। थोड़े टॉपिंग्स डाल रही हूँ जो मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा था, और इस टॉपिंग के साथ थोड़ा सा घी और हमारा हलवा तैयार है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन वीडियोस ऐसे हैं, बार्ली रेसिपीज चेक कीजिएगा। बार्ली या जौ जिसे कहा जाता है, हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। सिंपल से रेसिपीज़ मैंने यहाँ पे दिए हैं, चेक कीजिएगा। सूप के आहार बच्चों के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है, विंटर सीजन में स्पेशली बहुत सारे सूप के आहार के रिकमेंडेशन है वहाँ पे। और मूंग दाल के रेसिपीज़ चेक कीजिएगा। मूंग दाल एक ऐसा दाल है जो बच्चे को शुरुआती दिनों से दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तूर दाल या कोई और दाल से पहले हम मूंग दाल देते हैं बच्चों को। और आप एप्पल के रेसिपीज़ भी चेक कीजिएगा हमारे चैनल में। एप्पल या सेब जो होता है न्यूट्रिशियस ही होता है, पर हम बच्चों को कैसे दें, दूसरे कुछ ऑप्शंस नहीं पता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये सारे लिखित रूप में हमारे ब्लॉग में हिंदी में है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिएगा। और हमारे ऑर्गेनिक फूड स्टोर, जैसे मैंने इनिशियली बताया, वहाँ आपको बेबी फूड जैसे इंस्टेंट मिक्स, हेल्थ मिक्स, आपको केमिकल लोडेड फूड लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना केमिकल के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, 5 साल से हम ये प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज़ है, गूगल रिव्यूज़ चेक कीजिएगा। बहुत सारे माओं ने हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद किया है और रेकमेंड किया है दूसरे लोगों को। और वहाँ पे सीरियल मिक्स छोटों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, दूध में डाल के पिलाने वाले आइटम्स हैं, और पैनकेक मिक्सेस हैं, और कुकीज़ भी हैं, मिलेट और जैगरी के कुकीज़, शुगर फ्री कुकीज़ वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे टॉट्स एंड मॉम स्टोर में है, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट मिले आपको। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।